नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है जेंट्स के लिए स्पेशली। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। आज की वीडियो मेनली हमने उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों को जो है मेल्स को, खास करके पुरुषों को, जो सेक्स की प्रॉब्लम रहती है, जो वीर्य की गाढ़ापन उनका जो होता है वो नहीं होता है, स्वपन दोष की प्रॉब्लम रहती है। आज ये वीडियो हमने खास उनके लिए बनाई है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और वीडियो को कभी भी आप जब आप देखते हो तो उसको स्किप मत कीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कामनी संदीपन रस के बारे में। कामनी संदीपन रस आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन पुरुषों के अंदर ओज की कमी रहती है, उनके अंदर तेज की कमी रहती है, ढीलापन रहता है, शरीर में ढीलापन रहता है, सुस्ती रहती है, उन लोगों को जो है कामनी संदीपन रस का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो कामनी संदीपन रस है ये हमारे शरीर में बल की वृद्धि करता है। कमज़ोर पुरुषों के लिए, जिनका शारीरिक विकास कम हो, या फिर जो पुरुष बलहीन होते हैं, बल कम महसूस होता है, ताकत कम महसूस होती है, उनके लिए जो कामनी संदीपन रस है वो कामाग्नि संदीपन रस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा जिनको काम शक्ति की प्रॉब्लम रहती है, सेक्स की कमजोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके लिए भी जो कामनी संदीपन रस है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये इंद्रियों को, हमारे शरीर की जो इंद्रियां होती हैं, जो जननेन्द्रियाँ होती हैं, जो गुप्त अंग होती हैं, उनको ये आनंद भी प्रदान करता है। इसको खाने के बाद में हमें काफ़ी हद तक कुछ अच्छा महसूस होता है। ये जो होता है काम जो कामाग्नि संदीपन रस है, ये शुक्रवाहिनी जो नाड़ियाँ होती हैं, जो जिनसे शुक्र प्रवाह होता है, निकलता है, वीर्य निकलता है जिनसे, उनको ये ताकत देता है। बहुत बार होता है कि हस्त मैथुन करने की वजह से, या फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ शुगर के कारण, या किसी शरीर की और प्रॉब्लम के कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, नसों का ढीलापन हो जाता है, उस सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको लगातार खा सकते हो, 30 से 40 दिन तक इसका सेवन कर सकते हो। इसका जो फ़ायदा है आपको 2 से 3 दिन में ही दिखने लग जाता है। आपकी नाड़ियों को स्वस्थ करता है। उसके बाद यह उत्तेजक भी है। जिस तरह से लोग वाइग्रा वगैरह या इस तरह की जो उत्तेजक दवाइयाँ खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, जिनका कई प्रकार से नुकसान भी होता है, तो उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। ये आपकी उत्तेजना को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अगर आपको बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप इसका जो सेवन है वो ना करें। इसके अलावा जो शुक्र होता है, हमारा जो वीर्य होता है, ये उसको उत्तेजित करता है। हमारे अंदर काम शक्ति बढ़ती है, जो पावर, सेक्स पावर होती है, उसमें हमारी रुचि बढ़ने लग जाती है। कई लोगों को जो होती है काम के अंदर, काम में रुचि नहीं रहती, जो संभोग करने की इच्छा होती है वो दब जाती है बहुत से लोगों की। तो ऐसे लोग अगर कामाग्नि संदीपन रस का लेते हैं तो ये उनकी काम की अग्नि को प्रदीपित करता है, दोबारा से उसको जला देता है, दोबारा से उसको आपको एक बार यंग बना देता है। जैसे आप 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होते हैं, उसी तरह से आपको दोबारा महसूस करवाने लग जाते हैं। इसके अलावा आपके मन को भी उत्तेजित करता है। मन को उत्तेजित करने का अर्थ ये है कि जब आप इस दवाई को लेते हो तो आपका मन, आपका जो रुचि है वो भी इन क्रियाओं में जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को जो लगता है कि उनके अंदर नपुंसकता है, जो वीर्य की कमी या फिर शुक्राणुओं की कमी जो होती है, उसको भी ये ख़त्म करता है, उसको ये बढ़ाता है, शुक्राणुओं को बढ़ाता है ये। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, इसको औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये सिर्फ जेंट्स के लिए है। औरतों और बच्चों को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। बच्चों का अर्थ है कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनको ये कामाग्नि प्रदीपन रस नहीं लेना चाहिए। इसके सेवन काल में आपको गाय का जो शुद्ध दूध होता है, गाय का दूध, वो आपको पीना चाहिए। गाय के दूध के अलावा आपको फल, सब्जियां, पौष्टिक पदार्थ, जो ताकत वाले पदार्थ होते हैं, उनका सेवन भी आपको ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य घटकों के बारे में। इसमें जो मुख्य घटक होते हैं, इसमें शुद्ध पारा गंधक, शुद्ध हिंगुल, शुद्ध मैनशिल, धतूरे के बीज,
भांगरे का रस और जावित्री का चूर्ण होता है। ये सारे के सारी जो दवाइयाँ, जो आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम मैंने लिया है, जड़ी बूटियों का नाम लिया है, ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करते, लेकिन इसका लंबे समय तक आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसका प्रयोग करना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, तो एक बार आप अपने किसी नज़दीक के वैद्य से परामर्श कर सकते हो उसको लेने के बारे में, वो आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कि इसको लेना कैसे चाहिए, तो मैं बता दूं कि तीन रत्ती के बराबर इसका जो है आपको सेवन रात में सोने से करीब एक घंटा पहले मक्खन में मिलाकर, मलाई में मिलाकर, या फिर इसको शहद में मिक्स करके इसको आपको लेना चाहिए। ये कामाग्नि प्रदीपन रस की पूरी डिटेल मैंने आपसे जो है साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए, बाकी वीडियोस भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।